मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, जैसा अभी पढ़े हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, तो उसी प्रकार पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। तो देखिए, लेट ए आई, कंट्रावेरिएंट में ऊपर इंडेक्स होती है, कोवेरिएंट में नीचे इंडेक्स होती है। लेट ए आई बी ए को वेरिएंट वेक्टर, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए। यदि आप यहां लिखते बी आई तो इसका हो जाता बी, क्लियर। कुछ भी ले सकते हैं आप, सिंबल जो है आपके ऊपर है। तो ए आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ओ सॉरी कोवेरिएंट वेक्टर है, तो इसके मैग्नीट्यूड को ए से लिखते हैं। ऊपर क्या परिभाषा है, एंड इज डिफाइंड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि कंट्रावेरिएंट था तो हम लोग मीट्रिक टेंसर की सहायता से किए थे, और इसमें हो जाएगा ई ऑफ ए जी आई जे ए आई ए जे, क्लियर है। थोड़ा सा ये समझना है, अभी हम सिंबल वहाँ पर जो समझाए हैं उसमें हम ए आई लिए थे कंट्रावेरिएंट, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, चाहे तो आप यहाँ पर बी आई ले सकते हैं, ठीक है। तो बी आई लेंगे तो इसका जो वो होगा तो वो बी स्क्वायर होगा, और उसको आप लिख देंगे ई ऑफ बी जी आई जे बी आई बी जे। यदि आप चाहें सी लिखेंगे तो सी आई लिखेंगे यहाँ, तो सी स्क्वायर इक्वल टू सी ऑफ ई ऑफ सी, क्लियर है, इसमें परेशान नहीं होना है, ये तो सिंबल है। तो ध्यान देना है, यदि ये कोवेरिएंट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस इससे लिखेंगे ए से, ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यहाँ ई ए क्या है, सेम वही इंडिकेटर है जो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करता है काम। अब इसको लिख सकते हैं ई ए, अब जी आई जे है, आई आई कॉन्टेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए जे ए जे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यानी कोवेरिएंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वो वेक्टर हो गया, यानी ए जे इंटू एसोसिएट ऑफ ए जे, ये इसे लिखा है। इसको ऐसा कर सकते हैं कि कोवेरिएंट वेक्टर, हाँ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स एसोसिएट, ये क्लियर है। तो क्या हो गया, ये आगे समझ में, आपने देखा है कि अभी हम जब पढ़े थे, यदि ये कंट्रावेरिएंट के लिए, तो इसके लिए भी हमने किया था कि कंट्रावेरिएंट में जो ए स्क्वायर लेंथ थी तो वो ई ऑफ ए जी आई जे ए आई ए जे थी, क्लियर है। तो यहाँ से आपको मिला था ई ए इज इक्वल टू वन ले लिए तो ए आई, और इसमें आपने देखा कि इसमें क्या हो गया, इसको कर देंगे तो बी जे और बी जे। तो ये समझ में आ रहा है कि जो दोनों की लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड है, चाहे कंट्रावेरिएंट वेक्टर लें चाहे कोवेरिएंट वेक्टर लें, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ध्यान देना है, इसका मतलब हो गया, ये समझना है रिमार्क में, कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो ये आपको मैग्नीट्यूड से मतलब समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर के केस में, यदि चाहे कंट्रावेरिएंट हो अथवा कोवेरिएंट, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ ए ए जे ए जे, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना।
तो इसे बोलते हैं एसोसिएट मीट्रिक टेंसर, इसको कोवेरेंट वेक्टर। इसकी सहायता से आप इसको हल कर लेते हैं, यहाँ आई आई कॉन्टैक्ट तो ए जी हो गया, ए जी ए जी, क्लियर। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू, कंट्रावेरेंट हो अथवा कोवेरेंट, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बंद कर देना बच्चों। ये बताइए